हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे के एस एस बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कल्चर और हेरिटेज होते क्या हैं। तो कल्चर किसी भी सोसाइटी का, किसी भी देश का, किसी भी रीजन का जो सोशल बिहेवियर होता है ना, सोशल बिहेवियर या सोशल नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि कुछ कस्टम्स होते हैं, लॉज होते हैं, यहाँ के बिलीव्स होते हैं लोगों के, उनके नॉलेज, उस सबको हम कल्चर बोलते हैं। और हेरिटेज क्या होती है, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, यानी लेगेसी है, जो हमारे पूर्वजों से हमें जो विरासत में मिले हैं, कल्चर, जो हैबिट्स, जो ड्रेसिंग सेंस, जो फोक डांस, जो फोक म्यूजिक, जो ट्रेडिशंस, जो क्वालिटीज हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, उन्हें हम हेरिटेज कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पूर्वजों से जो भी चीज हमें मिली है वो हमारी हेरिटेज होती है? नहीं, जो आज भी उस रीजन के लिए या इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, सिर्फ हम उन्हें ही हेरिटेज मानते हैं। जैसे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे जैसे ताजमहल है, तो वो हमारे देश के लिए एक इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए हम उसे हेरिटेज में मानते हैं। जैसे बाहू फोर्ट है, वो हेरिटेज है हमारे लिए, है ना। वैसे ही कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं लोगों के कल्चर के अंदर, तो उसे हम कल्चरल हेरिटेज मानते हैं, कल्चरल हेरिटेज। तो इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है, लोगों के बारे में जानना है कि कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स हैं, कौन सी ट्राइब्स हैं, कॉस्ट्यूम्स यानी इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस और उनके क्यूसिन्स क्या क्या थे पहले से ही और अभी भी क्या हैं, और लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, फेयर एंड फेस्टिवल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और फोक म्यूजिक एंड डांस, की हमारे पूर्वज हमें क्या चीज़ें देखे गए हैं यहाँ से। तो सबसे पहले पीपल, तो कश्मीर, कश्मीर के लोगों के बारे में बात करते हैं। तो इनके डिसेंडेंट्स तो जो थे वो इमिग्रेंट्स थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये इंडो आर्यन स्टॉक से थे, इंडो आर्यन स्टॉक से। वैसे तो हमें इंडो और आर्यन दो बातें नहीं बोलनी चाहिए, ये एक ही बात है। दो बातें सिर्फ वही लोग बोलते हैं जो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो थी ना, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है कि वो सही है, वो सिर्फ एक थ्योरी है। तो उसको अगर आप सच मान के चलोगे तो फिर आप इंडो और आर्यन इस तरह दो दो वर्ड यूज़ करोगे। लेकिन इस यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज हैं किताबों में और हर जगह में, हर जगह इसी को फैलाया गया है, इन आर्यन इन इन्वेजन थ्योरी को, कि आर्यन इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडियन को नीचे धकेल दिया, आर्यन गोरे थे, इंडियन काले थे और डिवाइड कर दिया देश को दो भागों में, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। लेकिन जो बाकी थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि आर्यन यहीं के लोग थे, भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को आर्यन कहा जाता था। बाकी पुराने टाइम के जितने भी सॉन्ग्स हैं या जितनी भी स्टोरीज, उनमें आर्या वर्ड सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए बताया गया है। तो मैं इस थ्योरी को बिल्कुल ही मानती नहीं हूँ और मैं इसको रिजेक्ट भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। बट जस्ट इंडो आर्यन वर्ड सिर्फ वही लोग यूज़ करते हैं जो इस थ्योरी को मानते हैं आंखें बंद करके, जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है। तो खैर, जो बुक में लिखा है हमें तो वही देखना है। मतलब एक जो टीचर होता है उसका फ़र्ज़ होता है कि लोगों को सही जानकारी देना, लेकिन हमारी मतलब बदकिस्मती है कि किताबों पे हमारे पास वही चीज़ें मिली हैं जो वही हमें बतानी पड़ती हैं। सो इंडो आर्यन स्टॉक से आए हैं कुछ लोग कहते हैं, मोस्ट पीपल क्लेम। तो जो किताबों में है आपको वही करना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करना है। तो रेशियल इम्पल्सिस, इंडो ग्रीक्स, ग्रीक्स से भी मिलते हैं, इंडियन से भी मिलते हैं। फिर रिलीजियस, रिलीजन देखें तो 90% कश्मीर में मुस्लिम्स होते हैं और बाकी पंडित और सिख्स होते हैं। अगर पूरे जे एंड के में देखें तो, पूरे जे एंड के में देखो तो मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स किस परसेंटेज में होते हैं? मुस्लिम में पूरे जे एंड के में 68.3%, हिंदू आते हैं 28.44% और सिख्स आते हैं इसके अलावा जितने भी हैं 1.87%। तो क्या इसके अलावा कोई और नहीं है? है, क्यों नहीं है? क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट हैं और लोग हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है उनका, तो मेजॉरिटी यही है। फिर हम बात करते हैं कश्मीर के पहनावे की, ट्रेडिशनल ड्रेसेस। देखो फिरहान, फिरहान बोलते हैं इसको, ये लंबा सा एक कुर्ता ही है तो जो इन लेडीज़ ने पहना हुआ है, आदमी भी पहनते हैं और लेडीज़ भी पहनती हैं, ठीक। तो फिरहान, तो मेन टर्बन पहनते हैं और वुमेन स्कल कैप पहनती हैं। और स्टेपल फूड है राइस और मीट, और दो चीज़ें, एक कुछ फेमस चाय होती हैं, एक को बोलते हैं कावा, एक को बोलते हैं शिर चाय। शिर चाय होती है दूध वाली चाय,
और कहवा होती है बिना दूध वाली, इसमें राइस और मीट, मीट के बहुत शौकीन होते हैं कश्मीरी, अगर आप कश्मीरी हैं तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। सो वाजवान फीस्ट होती है, दावत, दावत के लिए यहाँ पे वाजवान बनाया जाता है। वाजवान में बहुत सारे मल्टी कोर्स मीट होता है, वो बहुत सारे मीट नॉन वेज की डिशेज होती हैं। तो कश्मीर फेमस है, बहुत ही फेमस है वेजिटेरियन डिशेज के लिए भी और नॉन वेजिटेरियन डिशेज के लिए भी। रिश्ता, कबाब, मेथ मांस, गोश्तबा, तबक मांस, मार्चे वांगन कौरमा, यखनी, रोगन जोश, आब गोश, दोधी रस, पुलाव, हाक, दम आलू, नदड़ू, चोख वांगन, पिरनी, वाज कोकर, ये कुछ फेमस ट्रेडिशनल डिशेस हैं कश्मीर के। अगर आपने खाना खाए हुए 4-5 घंटे हो गए होंगे तो आपको मुंह में पानी आ जाएगा देख के। तो अब तो जो डोगरा लोग हैं ये प्लेन्स में रहते हैं जम्मू के, और ये भी आर्यन के ही डिसेंडेंट हैं ये कहा जाता है। और ट्रेडिशनली लोग आर्मी प्रोफेशन पसंद करते थे। अचीवमेंट्स का क्या है, यहाँ यहाँ के लोगों की एज अ सोल्जर भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स होती हैं। पेंटर और बिल्डर्स ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, ये बहुत अचीवमेंट्स हैं। और अगर कोई लोग आर्मी में जाते थे ना, अभी भी जाते हैं, तो अचीवमेंट मानते हैं अपनी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जम्मू के लिए, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जम्मू के लिए, ये जम्मू को डिफ्रेंशिएट करता है बाकी एरियाज से। ये क्या है, डीपली अटैच टू लैंड, मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम है इन्हें, बहुत ज़्यादा प्रेम है मातृभूमि से। और धार्मिक होते हैं, यानी राइटियस, राइटियसनेस की तरफ होते हैं ज़्यादा। तो ड्रेसेस, मेन शॉर्ट कोट पहनते हैं और फ्री फ्लोइंग शर्ट भी पहनते हैं और पजामा पहनते हैं, टर्बन भी, और एक कमरबंद होती है जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना जम्मू की। तो जो मेन है, एक कमरबंद बांधा होता है उन्होंने, कमर के साथ एक कपड़ा बांधा होता है। तो वुमेन एक लूज सा कुर्ता पहनती है, ये जम्पर, और साथ में पजामा होता है, उसको हम पजामे ही बोलते हैं वैसे तो। और दुपट्टा रखती हैं या शॉल रखती हैं सर पे। इनको देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे देखो वुमेन ये दुपट्टा रखती हैं सर पे, और ये ट्रेडिशनल ड्रेस है ये जम्मू की। और लड़के टर्बन पहनते हैं सर पे, और ये कमर बंद है, देखो कमर को बांधा हुआ है एक कपड़े के साथ, और ये कुर्ता है, और ये जो पजामी, ये जो पजामी होती है जो आदमी पहनते हैं, ये घुटने से थोड़ी लूज होती है, लेकिन जो जो पैर होते हैं ना पैरों पर से, ये थोड़ी टाइट होती है, एंकल, एंकल जहाँ आती है ना नीचे पैरों के पास, वहाँ से ये थोड़ी टाइट होती है, ये इसका स्पेशल फीचर होता है। तो फूड, स्टेपल फूड है जम्मू का वीट, राइस, मेज, पल्स, दाल रोटी ही स्टेपल फूड होता है जम्मू के लोगों का। और बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, वेजिटेरियन है ज़्यादातर। फेमस डिशेस देखें तो दाल पटमानी, आर्या, अम्बल, मीठा मदरा, गुछिया, खट्टा मीठा, क्योर, कलाड़ी, बबरू, कुलथेंदी दाल, और एक चीज़ मैं लिखना भूल गई, राजमा चावल भी बहुत फेमस है यहाँ पे। क्योर जो होती है ना, ये वेलकम डिश होती है, वेलकम डिश। आप बोलोगे ये जो यहाँ पे मैंने दिखाई है इनमें से कौन सी है क्योर, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये जो है ना, ये क्योर है, ये मैदे के आटे का बनता है, तला हुआ होता है ये, तो बहुत ही टेस्टी होता है ये, वेलकम डिश होती है, जब कोई पहली बार घर में आता है उसको बना के खिलाते हैं। और एक चीज़ थी यहाँ पे, आरिया, आरिया क्या होती है, दही में जो ये आलू की सब्जी है ना, वो स्पेशल तरीके से बनाई जाती है, इसको हम आरिया बोलते हैं। बाकी ये देखो, ये अम्मल है, बहुत ही फेमस है, हर फंक्शन में बनाया जाता है यूजुअली। ये बबरू है, तो राजमा चावल, कुलथनी दाल बहुत फेमस यहाँ के। फिर हम बात करते हैं तीसरे टाइप के लोगों की। अभी तक हमने कश्मीरी और डोगरा लोगों की बात की, अब हम थर्ड टाइप की। कश्मीरी और डोगरा ट्राइबल पीपल नहीं है, इसके अलावा मैं जितने भी लोगों का यहाँ पे जिक्र करूंगी ये सारे ट्राइबल पीपल हैं। गुरेज वैली में रहते हैं, एग्रीकल्चर और पास्चरिज्म, पास्चरलिज्म, कॉटेज इंडस्ट्रीज और ट्रेड, इस पे ये डिपेंड करते हैं। हाँ जी, एक और लोग होते हैं, ये भी ट्राइब हैं। जम्मू कश्मीर में जो लेक्स और जो वाटर बॉडीज होती हैं कश्मीर के अंदर, वहाँ पे ये रहते हैं, इन मछली पकड़ते हैं, लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं और बेचते हैं, ये इनका काम होता है। ये है हांजीज, ये जो इमेज है ना यहाँ पे, ये गुरेज घाटी की इमेज इमेज है। गुरेज कहाँ पे आती है वैसे, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आती है कश्मीर में, बहुत ही खूबसूरत वैली है ये भी। फिर गुज्जर और बकरवाल जो है, देखो जो गुज्जर है ना ये सेमी नोमेडिक है, लेकिन बकरवाल पूरे पूरे नोमेडिक ही होते हैं। तो
ये कहाँ रहते हैं माउंटेन्स में? राजौरी, रियासी, जम्मू, पुंछ, कठुआ, जम्मू, डोडा डिस्ट्रिक्ट, इन सब में ये रहते हैं। और कंडी एरियाज में भी रहते हैं। कंडी एरियाज में ये सर्दियों में आते हैं और गर्मियों में ये बहुत ही हाई, मतलब बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ बिल्कुल लश ग्रीन वैलीज होती हैं, ये वहाँ जाते हैं। फिर नोमैडिक कैरेक्टर तो है ही, कैटल के ऊपर डिपेंड करते हैं लाइवलीहुड के लिए। सब्सिस्टेंस टाइप की इकोनॉमी होती है, मतलब सिर्फ अपने खाने पीने के, अपने गुजारे लायक कमाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमाते। और कपड़े, दस्तर, कुर्ता, याजर, सदरी, ये कपड़े इनके ड्रेसेस होते हैं। तो चिबालीज और पहाड़ीज, चिनाब और जेहलम वैली तक ही ये कन्फाइन होते हैं। एग्जाम्पलरी हॉस्पिटेबिलिटी होती है, मतलब मेहमान नवाजी में ना इनका कोई मुकाबला नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त। फिर जो गद्दी होते हैं, तो गद्दी बेसिकली हिमाचल के ना चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर ये वहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा, हिमाचल में, और कुछ जम्मू कश्मीर में भी रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ, बनी विलेज, बसोली, बटोत, भद्रवाह, बिलावर, रामबन और उधमपुर, इन एरियाज में ये रहते हैं। लैंड ओनर होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर को, और ये फ्लूट के लिए बहुत जाने जाते हैं, ये फ्लूट बजाते हैं, देखो इन फ्लूट बजा रहे हैं ये। तो भेड़ें बहुत पसंद होती हैं इन्हें। देखो यहाँ पे एक बार फिर से, ये लेडीज़ के कस्ट्यूम वैसे तो डोगरा, देखो ये कुर्ता और पजामी होती है, दुपट्टा रखते हैं सर पे, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये गोजरी, ये वाली ड्रेस होती है गोजरी ड्रेस, और ये वाली कश्मीरी ड्रेस, ये वाली, और इस तरह वाली ये पहाड़ी ड्रेस। फिर ये बाल्टी, हुंजा, गिलगिटी, ये अलग अलग हैं। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बनाई गई थी 1986 में, इस्टेब्लिश करी गई थी। इसका एम क्या था कि अपलिफ्टमेंट हो इनकी, सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की जाए इन बैकवर्ड क्लासेस की, और इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज प्रोवाइड किए जाएँ, तो इस मकसद से इसे बनाया गया था। तो अब हम लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर की बात करेंगे। तो मेन लैंग्वेजेस कौन सी हैं, कश्मीरी और डोगरी, तो इन्हीं की बात करेंगे मेनली, बस बाकियों का हमें नाम मालूम होना चाहिए। तो कश्मीर में कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है, जम्मू में डोगरी, पहाड़ी और हिंदी। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ JKUTR, कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, पाडरी, पंजाबी और दर्दी। पॉपुलर जो बोलियां हैं, अभी ये तो लैंग्वेजेस की बात हो रही थी ऊपर, अभी कुछ बोलियां हैं, लोकल बोलियां जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे पोगली, किश्तवाड़ी, भद्रवाही, पश्तो। अच्छा एक चीज़ ना आप याद रखना कि जो कश्मीरी और डोगरी, ये दो लैंग्वेजेस जो है ना, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आती हैं। इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, 22। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हमारी कश्मीरी और डोगरी भी आती है, बहुत प्राउड की बात है ये। और जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस, ये किस स्केड्यूल में आती है, आर्टिकल के, कॉन्स्टिट्यूशन के एट्थ एट्थ स्केड्यूल में आती है ये, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th में आती है लिस्ट, 8th में आती है लैंग्वेज, 9th में आते हैं लैंड, तीनों ल से बनते हैं, ठीक है, तीनों। तो एट्थ स्केड्यूल लैंग्वेज लैंग्वेज से डील करता है, और इसमें कश्मीरी और डोगरी दोनों आते हैं। कश्मीरी लैंग्वेज को बोलने वाले ना 6.8 मिलियन लोग हैं, 6.8 मिलियन, और डोगरी को बोलने वाले कितने लोग हैं, 2.8 मिलियन, ठीक। तो कश्मीरी लैंग्वेज ये ओरिजिनली एक ब्रांच थी प्राकृत लैंग्वेज की, और जो कि अपने आप में संस्कृत की ही ब्रांच थी। तो प्रेजेंट डे कश्मीरी किस किस चीज़ में लिखी जाती है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, यानी हिंदी की तरह, या फिर पर्शियन और अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है लगभग। तो जो अभी स्कूल्स में जो छोटे छोटे बुक्स लगी होती है छोटे बच्चों के लिए कश्मीरी सीखने के लिए, उनमें भी पर्शियन स्क्रिप्ट में ही लिखी होती है उर्दू। तो हम इसमें फेमस राइटर्स और पोइट्स की बात करेंगे। सबसे पहले लल दैद 1320 में पैदा हुई थी, फर्स्ट फर्स्ट फीमेल सेंट पोइटेस थी कश्मीर से, इन्होंने वक्फ लिखे थे, इनकी जो पोइम्स हैं इनको हम वक्स बोलते हैं, वक्फ। दो यूरोपियन आए थे, एक कौन से, एक आए थे बार्नेट
और दूसरे आए थे यहाँ पे गैरिसन। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, लल दैद की जो शायरी थी, इनकी जो पोएम्स थी, इनको कलेक्ट किया और उसको एक नाम दिया, इसको नाम दिया लल्ला वाखियानी। लल्ला वाखियानी तो ये भी लल दैद से ही डील करता है। लल दैद का पूरा नाम था ललेश्वरी, ललेश्वरी नाम था इनका। अच्छा, तो फिर शेख नूरुद्दीन नूरानी, तो इनकी जो पोएम्स थी, इनको एक इनकी कलेक्शन करी गई है, उसको नाम दिया गया है नूरनामा। नूरनामा कहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया, चरारे शरीफ में, चरार में। अट्टा मोहम्मद खान जो थे ना, अफगान गवर्नर थे, 1808 ईस्वी में इन्होंने इनके नाम की करेंसी बनाई थी, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी थी ये। फिर थर्ड नंबर पे हब्बा खातून, ये भी बहुत ही फेमस पोइट थी, लॉल लिरिक को इन्होंने फेमस बनाया था, 16th सेंचुरी की पोइट थी, चक डायनेस्टी से थी ये। आज भी इनके गाने बहुत मकबूल है कश्मीर में। फिर आर्निमल लव लिरिक्स के लिए फेमस है, इनके इनकी पोइट्री में हमें सरेंडर टू फेट दिखता है, किस्मत के लिए सरेंडर, और ग्रीफ, बहुत ही ज़्यादा गम दिखता है। दरअसल बात ये ना, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा गम था। फिर फिफ्थ नंबर पे आते हैं मोहम्मद गामी। मोहम्मद गामी जो थे, ये और एक और मीर रसूल मिलके इनको फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल बोला जाता है। इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो नरेटिव कश्मीरी पोएम्स लिखी थी इन्होंने, जैसे शिरीन खुसरो, यूसुफ जुलेखा और लीला मजनू, इनके बारे में उन्होंने पोएम्स लिखी थी। और आल्सो वर्सीफाइड, यानी वर्सेस में बताई थी हिस्ट्री कश्मीर की, महमूद हिस्ट्री बताई थी इन्होंने, कश्मीर की नहीं, कश्मीरी भाषा में बताई थी हिस्ट्री महमूद अफ गजनी की और हारून रशीद की। रसूल मीर अलॉन्ग विद मोहम्मद गामी, इनको फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल माना जाता है। और इन्होंने क्या किया, कश्मीरी लव सॉन्ग्स के अंदर बहुत ही इनोवेशन लाया, और इन्हें कीट्स ऑफ कश्मीर कहा जाता है। कीट्स कौन थे, जॉन कीट्स थे, एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट थे। तो रसूल मीर के नाम पे 24 अक्टूबर को डे मनाया जाता है। फेमस इनकी गज़ल है रिंद पोश माल, मिशन कश्मीर मूवी में इनका ये गाना था, रिंद पोश माल, बहुत ही फेमस गज़ल है ये। फिर आते हैं परमानंद जी, जिनको नंदराम कहा जाता है, नंदराम इनका असली नाम था, 1830 में इनका देहांत हो गया था। अच्छा जी, इनकी जो पोइट्री थी ना, वो श्री कृष्णा के लिए डिवोटेड थी। इनके तीन फेमस पोएम्स हैं, राधा स्वयंवरा, सुदामा चरिता और शिवा लगुन। गुलाम अहमद महजूर, 1885 के टाइम में इनका बर्थ हुआ था, और इन्होंने कश्मीरी पोइट्री को नए स्पिरिट और नए थीम्स के साथ भर दिया। फ्लावर ऑफ निशात, इन्होंने बहुत ही फेमस एक पोएम लिखी थी, और भी इनकी पोएम्स हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। रविंद्र नाथ टैगोर इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे, रविंद्र नाथ टैगोर, और इन्होंने इनको वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर कह दिया। तो क्वेश्चन आया कि किनको वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर कहा जाता है, तो ये हैं गुलाम अहमद महजूर। किनको जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर कहा जाता है, रसूल मीर। रिंद पोशमाल, फेमस गज़ल किसने लिखी है, रसूल मीर ने। किनको फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल कहा जाता है, अलॉन्ग विद मोहम्मद गामी, रसूल मीर को। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वैसे तो। और अब्दुल अहमद आज़ाद, ये एडवोकेट थे, 1947 में जो रिवोल्यूशन था कश्मीर में, किस चीज़ का रिवोल्यूशन था बेसिकली, यहाँ पे ना पहले मोनार्की थी, राजा वाला सिस्टम होता था, ठीक है, तो अब डेमोक्रेसी लाने के लिए यहाँ पे रिवोल्यूशन चल रहा था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, बेसिकली सेल्फ रूल चाहिए, इस चीज़ के लिए यहाँ पे रिवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे। अच्छा, तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है, तो अब्दुल सतार रंजूर, अब्दुल सितार रंजूर भी बोलते हैं, तो ये कश्मीरी पॉलिटिशियन थे और बहुत अच्छे राइटर थे। इन्होंने इन्होंने किस बारे में लिखा, इन्होंने लिखा सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के बारे में, सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के बारे में लिखा कि लोग अवेयर हो जाएं, लोग जाने अपने हक को, इस बारे में इन्होंने लिखा। तो लेकिन इनको मार दिया गया था आतंकवादियों ने, 1990 में इनको गोली मार दी थी। तो ये थे अब्दुल सितार रंजूर। दीनानाथ नदीम, मॉडर्न कश्मीरी पोइट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है, कश्मीरी लिटरेरी रेनाइसा इनकी वजह से आया था। वावन वॉन नाम और बॉम्बर ताए याम बुर्जल, ये इनकी फेमस पोएम्स थी।
जिंदा कोल, इनको मास्टर जी जिंदा कोल भी कहते थे। वदी है मानुष, इस पोयम के लिए इन्हें फर्स्ट, ये कश्मीर के पहले साहित्य अकादमी अवार्ड विनर बने 1956 में। तो क्वेश्चन आएगी कि फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेजेस, तो आंसर होगा जिंदा कोल, जिंदा कोल। अब्दुल रहमान राही फर्स्ट कश्मीरी राइटर हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2004 में। अब्दुल रहमान राही, खाली रहमान राही लिखेंगे तब भी चलेगा, एक ही नाम है ये, ठीक। तो पहले जम्मू कश्मीर से पहले इंसान है जिन्हें कश्मीरी लैंग्वेज के लिए, कश्मीरी पहले राइटर हैं ऐसे जिन्हें ज्ञानी पीठ अवार्ड मिला है। और इन्होंने क्या क्या लिखे थे, शुभुक, शुभुक सोदा, कलामे राही, सियां जोरेन मांस, ये चीज़ें, ये फेमस इनके वर्क हैं। फिर डोगरी लैंग्वेज की बात करें तो ये वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस में आती है, ये मेंबर है वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस की। ओरिजिनल स्क्रिप्ट इसकी टकरी थी, लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह ने ना कोर्ट लैंग्वेज बना दिया था डोगरी को, तो उस टाइम में इन्होंने इसकी स्क्रिप्ट को थोड़ा चेंज किया और उन्होंने देवनागरी स्क्रिप्ट में स्टार्ट करवा दी डोगरी लैंग्वेज। ये चीज़ आप यहाँ से याद रखना कि पहले डोगरी यहाँ पे कोर्ट लैंग्वेज नहीं थी। सो द डोगरी लैंग्वेज, यहाँ के राइटर्स और पोएट्स की बात करें तो अर्लीस्ट डोगरी वर्क रजावली है, जिसको किसने ट्रांसलेट किया था पर्शियन से, तेहल दास ने। पर्शियन में लिखी थी ये सबसे पहले, किसने लिखी थी, बेली राम ने। तो बेली राम जी ने लिखी थी ये पर्शियन में, और वहाँ से इसको ट्रांसलेट किया था तहल दास ने डोगरी में। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर अगर डोगरी पोएट्री से है तो हरदुत शास्त्री हैं, फाउंडर हैं डोगरी पोएट्री के। देवदत्त, गंगाराम, किशन समेलपुरी, दीनू, भाई पंत, रामधन, ये कुछ और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज आती हैं इसमें। श्रीमद् भगवद गीता को ट्रांसलेट किया था डोगरी में किसने, रघुनाथ सिंह सामयाल ने और हकीम पारसराम ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मेघदूत ट्रांसलेटेड बाय रामनाथ शास्त्री, रामनाथ शास्त्री अपने आप में बहुत बड़ी प्रोमिनेंट हैं ये डोगरी को लेकर, इनके ही अभ्यास, इनके ही प्रयासों की वजह से डोगरी को ऑफिशियल लैंग्वेज में लाया गया था। मेघदूत, मेघदूत ओरिजिनली किन्होंने लिखी थी, कालीदास ने। कालीदास जो थे बहुत बड़े काली के भक्त थे, तो इन्होंने लिखी थी, एक यक्ष की एक स्टोरी लिखी थी एक यक्ष पे, कि कैसे किस तरह से एक यक्ष को उसके जो गुरु हैं वो एग्जाइल दे देते हैं, बाहर भेज देते हैं 1 साल के लिए, और फिर वो जो यक्ष होते हैं वो मेघ, मेघ मतलब होता है बादल, तो क्लाउड को दूत बना देते हैं और उससे मैसेज भेजते हैं अपनी वाइफ के लिए, दूत होता है मैसेंजर। तो ये एक बुक कंप्लीट है, ये लिखी थी कालिदास जी ने और इसको ट्रांसलेट किया रामनाथ शास्त्री जी ने। रामनाथ शास्त्री ने और भी कई सारी बुक्स को ट्रांसलेट किया था, गीतांजलि को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया। रामनाथ शास्त्री फादर ऑफ डोगरी बोला जाता है इन्हें, बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है इनका डोगरी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में, और डोगरी लैंग्वेज के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करके लाया था और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी भी हैं। धरती दर ऋण, बदनामी दी छान, जो कलेक्शन ऑफ डोगरी शॉर्ट स्टोरीज हैं, 1976 में लिखी थी। तलखियाँ, कलमकार चरण सिंह, नामांगरा, बाबा जीतो, झकदियाँ किरण, डुगर दे लोक नायक, तो ये भी इनके फेमस वर्क हैं। साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला था इनको डोगरी लैंग्वेज के लिए, पद्मश्री मिला था लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया था इनको बदनामी दी छान के लिए, स्टेट एकेडमी अवार्ड फॉर कलेक्शन ऑफ डोगरी तलखियां दिया गया था इन्हें, और तलखियां के लिए दिया गया था। फिर साहित्य एकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज भी मिला था इनको 1989 में, जब इन्होंने मृचा कतिकर रामा को ट्रांसलेट किया था डोगरी में, मिट्टी दी गड्डी बना के। फिर स्टेट एकेडमी अवार्ड मिला था इनको डोगरी प्रोज के लिए, जिसका नाम था डुग्गर दे लोक नायक। पैदा हुए थे ये 1914 में, 15 अप्रैल 1914 में। पद्मा सचदेव, ये भी डोगरी बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं डोगरी के लिए,
तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1971 में ही, किसके लिए, किसके लिए, मेरी कविता मेरे गीत के लिए, बहुत ही फेमस है मेरी कविता मेरे गीत, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी भी। दीनू भाई पंत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था इनको 2017 में। फिर कृति तवा समग्र सम्मान बहुत सारे मिले हैं ना बेसिकली, तो सरस्वती सम्मान याद रखना 2015 में, बहुत ही खास अवार्ड होता है ये। फिर पद्मश्री 2001 में मिला था इनको, कबीर सम्मान मिला था इनको 2008-09 में। बहुत बड़े बड़े इनको जो लिटरेरी फील्ड में अवार्ड्स होते हैं ना, वो सब इनको लगभग मिल चुके हैं। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, चित चित चेते, मैं यहाँ लिख देती हूँ, चित चेते, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है इनकी अपनी। तो जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी इस्टेब्लिश की गई थी 1958 में। मिर्ज़ा कमल उद्दीन ये इसके पहले सेक्रेटरी रहे हैं, और शीराजा ये जर्नल है इस एकेडमी की, जर्नल जो कि कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी इन सब में पब्लिश करती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।